आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एयरफोर्स पुलिस के जवानों द्वारा किया गया मॉक ड्रिल, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, टीम वर्क के साथ सफलता पूर्वक हुए मॉक ड्रिल को देख कर लोग रह गए दंग। भारत सरकार के वन विभाग और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सर्किट हाउस में पौधारोपण कर अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। भाई की पिटाई की शिकायत करने गए युवक की पीट पीट कर की गई हत्या, मामला गुलेरिया थाना क्षेत्र के शिवपुर शहबाजगंज का। एसपी नॉर्थ ने कहा, मामले में गुलेरिया थाना में हत्या का दर्ज किया गया है मुकदमा, एक अभियुक्त को लिया गया है हिरासत में, बाकी अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है प्रयास, जल्द होगी बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी। एडीजी जोन अखिल कुमार व मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने मुख्यमंत्री जनता दर्शन व आईजीआरएस पर आई शिकायतों के फरियादियों के समस्याओं की जनसुनवाई, बारीकी से सुनी फरियादियों की समस्या, विवेचक से जाना पूरा मामला, समस्याओं को समय से निस्तारण के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी पड़ने वाले पर्व कांवड़ यात्रा व बकरीद को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी, एसएसपी ने कहा, त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी पुलिस कर्मियों के साथ की जा चुकी है बैठक, दिए गए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जन शिकायतों के निस्तारण पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जन शिकायतों का निस्तारण ही पुलिस की है पहली प्राथमिकता, यदि कोई फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर थाने व अधिकारियों के पास है जाता तो उसकी समस्याओं का वहीं पर किया जाए निस्तारण, फरियादी को ना लगाने पड़े कार्यालय के चक्कर। जनपद के ग्राम पंचायतों में क्लस्टर रोस्टर हुआ जारी, ग्राम पंचायत अधिकारियों को दूर नहीं करनी पड़ेगी ड्यूटी, नजदीक मिलेगा सभी गांव। छह जुलाई को हत्या के आरोप में वांछित अभियुक्त विकास उर्फ राम चेलू को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग कोचिंग का हाटा विधायक मोहन वर्मा ने किया उद्घाटन, कोचिंग के डायरेक्टर कोलंबस वर्मा ने कहा, अमीर हो या गरीब छात्र सभी को दी जाएगी एक समान शिक्षा। और पिपरौली स्थित माध्यमिक विद्यालय का सीडीओ संजय कुमार मीणा ने निरीक्षण कर किया पौधारोपण, प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित।